जन्माष्टमी के अवसर पर विद्या संस्कार एकेडमी फलावदा में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी महोत्सव पर विद्यालय प्रांगण में विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियों में श्री कृष्ण जन्म बाल ग्वाले राधा कृष्ण व गोपियों द्वारा बरसानी में नृत्य वसुदेव देवकी की करागार यशोदा माता माखन निकलती हुई श्री कृष्ण शेषनाग पर नृत्य आदि सुंदर सुंदर आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। झांकियों में बच्चों की वेशभूषा व नृत्य सभी के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे। अभिभावकों ने भी अत्यधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण व शेषनाग पर नृत्य मुख्य झांकियां रही। श्री कृष्ण द्वारा मच की तोड़ना व माखन को चुराने का दृश्य अत्यंत ही मनमोहक रहा। अंत में कृष्ण बने बच्चों ने कृष्ण जन्माष्टमी पर केक काटा। सभी झांकियां अभिभावकों का कौतूहल का विषय बनी रही। मनमोहक झांकियों की अभिभावकों ने प्रशंसा की। अभिभावकों ने इस प्रकार के कार्यक्रम को करने की इच्छा रखी थी। अधिकांश अभिभावकों का कहना था कि इस विद्यालय में हमारे बच्चे प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के साथ साथ संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार से हमारे बच्चे संस्कार व आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय की प्राचार्य कविता सनी ने राधा कृष्ण बने बच्चों को केक खिलाकर पुरस्कार भी दिया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्या संस्कार शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम भी हासिल कर रहा है। इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम में विद्यालय चेयरमैन ताराचंद सैनी एवं शिक्षक सविता साजमा, रश्मि निशा, निशु रजनी, अमित जावेद, कौशिंद्र, नरेश चौहान, वाजिद आदि मौजूद रहे।